दोस्तों अक्सर ब्लॉगिंग में लोग मुझसे पूछते हैं कि किस निच पे मैं ब्लॉग बनाऊं या ब्लॉग का निच कैसा होना चाहिए। तो अगर आप भी नया ब्लॉग स्टार्ट किए हैं या ऐसे ब्लॉग को रन कर रहे हैं जो ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आ रहा है, रैंकिंग नहीं हो रहा है, ब्लॉग से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उदास हो गए हैं, तो ऐसे में ये वीडियो देखिए। कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी, आपको जानकारी देगी और जिससे आप ब्लॉग को फिर से दोबारा से जो है अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय इन्फॉर्मर। दोस्तों ब्लॉग टॉपिक, ब्लॉग नीच या मतलब किस टाइप का ब्लॉग बनाऊं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आकर के अधिकांश ब्लॉगर, जो नए ब्लॉगर हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो देखते हैं अपने जो आइडियल ब्लॉगर है उनके ब्लॉग को, अगर उनके ब्लॉग पे मल्टी नीच होता है, मल्टी कैटेगरी होता है, तो वो सोचते हैं मैं भी ऐसा कर लूँ। ये सबसे गलत स्टेप है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि गूगल समय समय पे देखता है कि ब्लॉग का टाइप क्या है। अगर मान लीजिए कि एक ही ऑथर है, वो मल्टीपल नीच पे लिख रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑथर, एक राइटर मल्टीपल फील्ड में वो भी बढ़िया से एक्सपर्ट हो सकता है? पॉसिबल है? तो गूगल क्या समझेगा कि एक ही ऑथर सारे टॉपिक के बारे में लिखते जा रहा है, तो ये क्या एक्सपर्ट हो सकता है, क्या उसको रैंक करेगा? या एक ऑथर एक ही टॉपिक के बारे में लिख रहा है तो उसको रैंक करेगा? तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली समझना होगा कि जो आप फील करते हैं वही दुनिया का सारा लोग फील करता है। अगर आप ही को कहा जाए कि ऐसे लोग से सलाह लें, जो मेडिकल सलाह लीजिए, जो इतिहास में भी एक्सपर्ट होगा, टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट होगा, मतलब वो अपने आप को कह रहा है कि मैं मेडिकल में भी एक्सपर्ट हूँ, हिस्ट्री में भी हूँ, जियोग्राफी में भी हूँ, तो क्या कहिएगा? थोड़ा सा डाउट करिए कि भैया ये जो है सही इंसान नहीं है। और ऐसे में उस मेडिकल जो एडवाइज़र के पास जाइएगा या डॉक्टर के पास जाइएगा, जिसके पास भी जाइएगा मेडिकल फील्ड में, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट हो या मेडिकल फील्ड में काम किया हो, बाकी फील्ड में थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो लेकिन एक्सपर्टाइज जिसमें हो, उन्हीं से सलाह लीजिएगा। यही चीज़ लागू होता है दोस्तों ब्लॉगिंग के फील्ड में। चूँकि गूगल स्मार्ट हो रहा है, गूगल के पास ऐसे ऐसे पॉइंट है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है कि उसको सिग्नल मिलते रहता है कि किस ब्लॉग का पोस्ट किस टॉपिक के बारे में है। और अगर आपके ब्लॉग पे मल्टीपल टॉपिक आता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो असर डालता है। अब देखिए आपका ब्लॉग कोई न्यूज़ एजेंसी तो है नहीं जिनके पास बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे आईडी है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग टॉपिक के बारे में लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास है एक ब्लॉग, तो सबसे पहले आपको खुद से देखना है कि अगर मल्टीपल नीच पे लिखते हैं तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप ना ज़्यादा टॉपिक के बारे में लिख नहीं सकते हैं, ज़्यादा चीज़ के बारे में नहीं लिख सकते हैं, जिससे नुकसान ये होगा कि एक समय जा करके आप कहे यार इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और इसके बाद ये टॉपिक पकड़ते हैं, ऐसे जंप मारते रह जाइएगा। लेकिन आप जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज हो, चाहे आप हिस्ट्री में क्यों ना एक्सपर्ट हो, अगर सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे तो कम से कम जो हिस्ट्री को पसंद करने वाले हैं वो तो आपका लॉयल जो है व्यूअर हो जाएंगे ना, एकदम ट्रस्टेड हो जाएंगे ना, वो दूसरे वेबसाइट पे कम, इवन कि न्यूज वेबसाइट पे कम जाएंगे और आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पर सिर्फ ये कॉन्टेंट मिलता है, इसके अलावा कोई कॉन्टेंट नहीं मिलता है। आप गौर करके देखिए आपके दिमाग में कुछ वेबसाइट ऐसे होंगे जिसके बारे में उसका नाम लेते समझ में आएगा कि ये मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। सपोज कि अभी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा वीडियो अगर अभी के अभी अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियो ला दूँ, थोड़ा सा आपको अचरज होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरा रेगुलर ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो आएगा, 150-200 से ऊपर जो है वीडियो मैं बना दिया ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो जो लोग इस वीडियो के कारण आए उनको मालूम है कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो आना चाहिए। लेकिन यहीं पे मैंने बिजनेस से रिलेटेड भी वीडियो को कंटिन्यू रखा है, तो जो लोग बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखते हैं अगर उनको ब्लॉगिंग से रिलेटेड आ जाता है तो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि वो कभी सोचे नहीं होते हैं तो वो वीडियो को नहीं देखते हैं। आप लोग बराबर सवाल पूछते रहते हैं कि मेरे पे इतना सब्सक्राइबर है लेकिन व्यू कम रहता है। दोस्तों सब्सक्राइबर जो है मल्टी कैटेगरी के कारण है, बिजनेस से रिलेटेड भी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी है। इस कारण से जिन लोगों को जो पसंद आता है वो वीडियो देखते हैं। दूसरी बात, यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसा हो गया है जिसके कारण सभी क्रिएटर को डिफिकल्टीज होने लगी है, यानी कि ये पॉइंट अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यूट्यूब वीडियो को दिया जाए, इसी तरह से आपका ब्लॉग जो है गूगल पर डिपेंड है रैंकिंग के लिए, क्योंकि मैंने बता दिया था वीडियो में कि गूगल का मार्केट शेयर कितना ज़्यादा है, 98% मार्केट शेयर अगर इसका है, तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि गूगल में आप अपने ब्लॉग को कैसे बढ़िया से बढ़िया सिग्नल दे सकते हैं जिससे रैंकिंग इंक्रीज हो जाए।
तो अब आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ, एकदम टू द पॉइंट बोलूँ तो आपको मल्टी कैटेगरी ब्लॉग नहीं बनाना है। बेहतर होगा कि एक एक कैटेगरी का अलग अलग ब्लॉग बना ले। अगर आपको मन है कि आप हर फील्ड के बारे में लिखें तो हर फील्ड के लिए अलग अलग एक ब्लॉग सेटअप कर लीजिए। आप मल्टी होस्टिंग वाला जो है डोमेन, जैसे कि मल्टी होस्टिंग वाला जो पैकेज होता है ना, मल्टी डोमेन होस्टिंग कर सकते हैं जो भी है, वो ले लीजिए होस्टिंग, और वहाँ से ब्लॉग को आप अपना रन करना शुरू कर दीजिए। ब्लॉग अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, जो ब्लॉग बढ़िया चलेगा उस ब्लॉग पर फोकस कर दीजिए। तो ये गलती अब नहीं करिएगा जो लोग कर रहे हैं। आप एक फील्ड में एक टॉपिक पे जो है लिखिए और धीरे 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 उसको जो है सर्च इंजन में जो है रैंकिंग होना, बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, गूगल टाइम टू टाइम अपडेट ला रहा है, और टाइम टू टाइम अपडेट का पर्पस यही है कि एक कैटेगरी वाले को सबसे पहले लाया जाए, और इसका जो है यूजर पे भी असर पड़ता है, एक ब्रांडिंग भी होना शुरू हो जाता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अब मुझे बताइए कि आप किस कैटेगरी या किस नीच या किस टॉपिक के बारे में अपने ब्लॉग पे लिखना चाहते हैं। आपका टॉपिक नीच में जानना चाहता हूँ, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।